नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाज में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। जी हाँ, आपको न्यूज़ सुनाई दी होगी जरूर से कि यहाँ पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 10,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करने वाला है बॉन्ड इशू करके, और जिसके चलते यहाँ पर आपको तेजी भी देखने को मिली है। तो यहाँ पर कंपनी का जवाब आ गया है, कंपनी ने क्या जवाब दिया उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, और लास्ट में हम लोग चार्ट भी देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या संभावनाएं बनती हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, नहीं तो कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस कर बैठेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसी नाम से एग्जैक्टली सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैं कोई टिप वगैरह नहीं देता हूँ, ना ही मैं टिप पर विश्वास रखता हूँ, और आपको भी यही सलाह देता हूँ कि बच के रहिए, नहीं तो आप अपनी कैपिटल को गंवा बैठेंगे और कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मैं आपको हमेशा सलाह देता हूँ कि टिप वगैरह के चक्कर में मत पड़िए। बहुत सारे स्कैमर्स एक्टिव रहते हैं मार्केट में, आपको हमेशा उनसे बचकर रहना पड़ेगा। आप 50 वीडियो देखिए, 1000 वीडियो देखिए, 50 चैनल सब्सक्राइब करिए, सबको सुनिए देखिए, लेकिन करिए आप अपनी मन की हमेशा। और यहाँ पर मैं केवल इंपॉर्टेंट न्यूज़ और वीडियोज़ वगैरह डालता हूँ। अभी मैंने स्विट्जरलैंड पर वीडियो डाला, थोड़ी देर पहले जाके जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह है। कल मैंने अडानी विल्मर पर वीडियो डाला, लगभग 4,500 लोगों ने देखा है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है यहाँ पर। और बाकी टाटा टेक्नोलॉजीज़ का IPO कराने वाला है, आप लोग बिल्कुल इसको अप्लाई करिए। अगर आपके पास शेयर है टाटा मोटर्स का या टाटा मोटर DVR का, तो आप शेयर होल्डर कोटा से अप्लाई करिए, और बाकी नहीं तो आप रिटेल कोटा से भी अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको आप बिल्कुल अप्लाई करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हैं गाइस कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने बॉन्ड के जरिए फंड जुटाने की खबरों का किया है खंडन। जानिए कंपनी ने क्या कहा है। तो यहाँ पर कुल मिला के इन्होंने साफ साफ मना कर दिया है, और 21 नवंबर यानी आज इन्होंने रेगुलेटरी फाइलिंग में ये जानकारी दी है कि यहाँ पर हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि फिलहाल कंपनी की बॉन्ड के जरिए बॉन्ड जारी करके या किसी अन्य तरीके से धन जुटाने की कोई भी योजना नहीं है। यह खबर पूरी तरीके से अटकलबाजी है। इसके पहले जो राइटर्स था उसने रिपोर्ट में दावा किया था कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपने पहले बॉन्ड इशू के लिए मर्चेंट बैंकरों के साथ शुरुआती बातचीत कर रही है। तो यहाँ पर कंपनी ने साफ साफ मना कर दिया, लगभग 10,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो इकट्ठा करने का प्लान बना रहे थे, ये जो न्यूज़ थी वो। तो यहाँ पर कंपनी ने फिलहाल उसको साफ साफ खारिज कर दिया है कि फिलहाल ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, और ये सब कुल मिला के अटकलबाजी ही है और कुछ नहीं है। यहाँ पर आप मार्केट कैप की बात करेंगे तो 1,39,834 करोड़ का है, ज़बरदस्त है। प्रमोटर आपको 46.8% दिख रहे हैं, बढ़िया है। यहाँ पर इंडस्ट्री का पी देखिए आप 22.6, और स्टॉक का पी देखिए 55.62 है, बहुत ज़्यादा हाई है फिलहाल तो। बुक वैल्यू आपको 182 दिख रही है, वहाँ से आपको फिलहाल करंट प्राइस जो है वो 220 रुपये के आसपास है, तो इसके हिसाब से फिलहाल ठीक दिखता है। लो और हाई की बात करेंगे तो 203 रुपये का लो लगाया है और 278 रुपये का हाई लगाया है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बैलेंस शीट है कंपनी के पास, रिजर्व्स अच्छे खासे हैं। सितंबर 2023 वाले क्वार्टर में आप देखेंगे 1,09,278 करोड़ के, और मार्च 2023 वाले क्वार्टर में 1,14,118 करोड़ के। बाकी जो कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स आए थे वो अच्छे आए थे, मैंने उस पर वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। प्रमोटर्स हमने देख ही लिए। FII अगर आप देखेंगे तो 21.58% है, DII आप देखेंगे तो 13.64% है, 0.13% गवर्नमेंट का स्टेक है, और पब्लिक जो है वो 17.86% है। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं ये सितंबर क्वार्टर वाले हैं, तो 39,83,000 लगभग शेयर होल्डर्स हैं। नंबर ऑफ शेयर्स में कन्फ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर कौन कौन शेयर खरीद बेच कर रहा है अभी तक देखिए, 19 अक्टूबर तक यहाँ पर खरीदारी और बिकवाली खूब सारी चली है, इन्होंने परचेज़ किया है। ये नंबर ऑफ क्वांटिटी है, एवरेज प्राइस है, और ये डेट है। तो यहाँ पर परचेज़ किया है कि सेल किया है आप क्लियर कट देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको आराम से पढ़ लीजिए, तसली से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कौन खरीद रहा है, कितने रुपये पर कौन बेच रहा है। रिटर्न की बात करें, अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो सबसे लास्ट में जो शुरुआत जिन्होंने करी थी, मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पर ख़रीदा था, और ये 202.80 रुपये जो एकदम लो लगाया था, लोअर सर्किट था, वहीं से फिर आपको अपर सर्किट देखने को मिला। और मैं उस समय से वीडियो लेके आ रहा हूँ किस लेवल पे कहाँ उठाना है, मैंने सब जगह बताया है जो मेरे पर्सनल व्यूज़ के हिसाब से है। रिटर्न्स की बात करेंगे तो एक वीक में -2.02%, एक महीने में 2.8% प्लस है, 3 महीने में 11.53% फिलहाल माइनस में है। वॉल्यूम की बात करेंगे तो यहाँ पर आज इसने 3 करोड़ का वॉल्यूम जनरेट किया है, यस्टरडे भी 3 करोड़ का वॉल्यूम जनरेट किया था। 1 वीक एवरेज आपको 2 करोड़ देखने को मिलता है, 1 मंथ एवरेज भी 2 करोड़ है। वहीं डिलीवरी परसेंट की बात करेंगे तो 1 करोड़ शेयर्स हैं उठाए जाते हैं, यानी कि 62.89% 1 मंथ का एवरेज है, 63% 1 वीक का एवरेज है। यस्टरडे आप देखेंगे तो 60% डिलीवरी उठाई गई, 2 करोड़ शेयर्स लोग अपने घर लेके गए हैं, और आज भी मान के चलिए लगभग 60% के आसपास डिलीवरी उठाई गई होगी। अब बात करते हैं चार्ट की और क्या संभावनाएं निकल कर आती हैं। गाइस पहली बात, एक चीज़ विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, मेरे पर्सनल व्यूज हैं, साफ साफ बोलता हूँ, गलत हो सकता हूँ, इसीलिए मैं हर बार कहता हूँ कि भैया आप सुनिए सबकी, करिए अपने मन की। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनलिस्ट नहीं हूँ, आप जानते हैं, वीडियोस प्योरली आपकी एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गाइस, काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन वाला फेज दिख रहा है, 230 से 210 रुपये का जो रेंज है
230 का, 210 से 230 की रेंज में फिलहाल फंसा हुआ है। और यहाँ पर 210 रुपये पर लगभग इसने सपोर्ट लिया था और फिर से वापस यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऊपर जाते हुए दिखा, फिर वहाँ से आपको नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। RSI की बात करेंगे तो 47.90 आपको RSI देखने को मिल रहा है। गाइस देखिए 210 रुपये का तो एक अच्छा सपोर्ट है, उसके नीचे 200 रुपये का तो बहुत ही अच्छा सपोर्ट है और साइकोलॉजिकल एक सपोर्ट भी है। तो यहाँ तक जिसकी संभावना मुझे कम दिखती है आने की, फिर भी अभी जो लोग लंबे समय के लिए जिन्होंने लिया है वो बिल्कुल आराम से टेंशन फ्री होकर होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर जिन्होंने ऊपर ले रखा है 250 रुपये 260 रुपये कहीं पर भी ले रखा है, हाइस पे ले लिया है गलती से, तो वहाँ पर आप बिल्कुल होल्ड करिए और एवरेज करने की भी गलती नहीं करेंगे आप, ठीक है। अभी यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, करने दीजिए। और यहाँ पर जब एक मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, एक बार जब ये वाला लेवल तोड़ देगा, मान के चलिए 238 से 240 वाला अगर लेवल टूट के निकलता है, तो फिर आपको फर्दर अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो चलिए गाइस, आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, जल्दी मैं सभी को रिस्पॉन्ड करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।